नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। अब एक बड़ी खबर भारत के राज्य कर्नाटक से आ रही है, जहां कोविड के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोविड के फंड को ही बर्बाद कर दिया। यानी कोविड के 1,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार खा गई। उस 1,000 करोड़ रुपया के खर्चे का कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। 1,000 करोड़ रुपया कोई 100 रुपया नहीं है, जो हमने उसके खर्चे का कोई हिसाब किताब नहीं है। इस मामले की जांच जब राज्य में दूसरी सरकार बनी तो उस सरकार ने कराई। ये जांच जब कोर्ट में पहुंची तो जज महोदय ने जब फाइलें तलब की तो कहीं कुछ फाइलें नहीं मिली, और देखते ही देखते इस पूरे मामले की वो सभी फाइलें गायब थी जिनमें 1,000 करोड़ का मामला टिका हुआ था। कोविड महामारी के दौरान 13,000 करोड़ रुपए का फंड मिला था, इसमें 1,000 करोड़ रुपया फंड की हेरा फेरी की गई। 12,000 करोड़ फंड का हिसाब किताब मिला, 1,000 करोड़ रुपया कौन खा गया? सरकार खा गई, खुद विभाग खा गया, कोविड खा गया, कौन खा गया ये तय नहीं हो पाया। दवाओं, उपकरणों की खरीद और ऑक्सीजन सिलेंडरों के कुप्रबंधन के कारण लोगों की बड़ी संख्या में मौत हुई। शमशान, कब्रिस्तान, किसी जगह जगह नहीं मिली थी लोगों को अंतिम संस्कार करने के लिए। 8-8 दिन लंबी लाइनें शमशान घाटों पर लगी रही। गंगा के किनारे भी, नदियों के किनारे लाशें पाई गई। बड़ी चर्चा हुई थी और उसी दौरान सरकारें हजारों करोड़ रुपया डकार गई। जस्टिस कुन्हा की रिपोर्ट के मुताबिक कई फाइलें गायब हैं। जस्टिस कुन्हा कर्नाटक के जज हैं, उनके कोर्ट में ये केस चल रहा था। कई फाइलें गायब हैं जो बार बार कहने के बावजूद भी सामने नहीं लाई गई। थोड़ा सा हम इस सब पूरी घटना को आपके समक्ष रख देते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार पर कोविड फंड में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। कांग्रेस का दावा है कि कोविड के दौरान राज्य को कुल 13,000 करोड़ रुपया का फंड मिला था, इसमें लगभग 1,000 करोड़ रुपया की हेराफेरी की गई। तब बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। कांग्रेस ने कोविड 19 मैनेजमेंट पर जस्टिस जॉन माइकल डी अब घोटाले का दावा किया है। 1,000 करोड़ रुपया कोई 100 रुपया नहीं होते। 1,000 करोड़ रुपया की भारी भारी भरकम रकम होती है, और उस भारी भरकम रकम को कहां कर दिया गया? सरकार के पास कोई तथ्य नहीं है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, सरकार के पास कोई फाइल नहीं है, कोई उसका लेखा जोखा नहीं। अब आप समझिए कैसे होते घोटाले। कांग्रेस ने बाद जांच के आदेश दिए थे। कर्नाटक सरकार में कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने आया कि गुरुवार 5 सितंबर को कैबिनेट मीटिंग में रिपोर्ट पर चर्चा हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड फंड से जुड़ी कई फाइलें गायब हैं, जिन्हें बार बार कहने के बावजूद भी समिति के सामने, कमेटी के सामने, कमीशन के सामने नहीं रखा गया। कांग्रेस ने पिछले साल सत्ता में आने के बाद जांच के आदेश दिए थे। कर्नाटक में पिछले साल मई में कांग्रेस की सरकार बनी थी। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर कोविड फंड में घोटाले की जांच कराने का वादा किया था। पार्टी के जीत के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बने। उन्होंने अगस्त 2023 में कोविड घोटाले की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। इस जांच में सीएम ने जांच अधिकारियों को कोविड महामारी के दौरान दवाओं, उपकरणों की खरीद और ऑक्सीजन आपूर्ति में अनियमितताओं की जांच का काम सौंपा था। शीतकालीन सत्र के दौरान भी रिपोर्ट पेश कर सकती है सरकार। सूत्रों के मुताबिक 1,000 पेज की रिपोर्ट को अभी 5 से 6 हिस्सों में पेश किया गया है। अगले 6 महीने के भीतर इसके पूरे होने की उम्मीद है। इसे विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान भी पेश किया जा सकता है। मंत्री पाटिल ने बताया है कि सिद्धारमैया सरकार ने
कमेटी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया है ताकि वह अंतिम रिपोर्ट पेश कर सके। इसके अलावा अधिकारियों की एक टीम प्रारंभिक जांच, एक टीम को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी गई है जो 1 महीने के भीतर इसका विश्लेषण करके सरकार को सौंपेगी। इस टीम में चीफ सेक्रेटरी शालिनी रजनीश, चीफ सेक्रेटरी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और कुछ अन्य अधिकारी शामिल हैं। अब आप समझिए कि इस कोविड घोटाले में 1000 करोड़ रुपया ऑक्सीजन जो खरीदी गई, उपकरण खरीदे गए, वो बीजेपी की सरकार निगल गई। सरकार बीजेपी की हो, सरकार कांग्रेस की हो, सरकार सपा की हो, बसपा की हो या किसी अन्य दल की हो, जनता के पैसे की बर्बादी कैसे की जाती है ये बेहतर सरकारें जानती हैं। लगातार ईमानदारी का खिताब हासिल करने की बार बार बात कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे उन्हीं की सरकार अगर 1000 करोड़ रुपया खा जाती है तो क्या प्रधानमंत्री इस मामले की ईडी सीबीआई के द्वारा जांच कराएंगे? क्या राज्य की सरकार को जांच में सहयोग करेंगे? क्या अपने पूर्व मुख्यमंत्री को, जिन पर पहले भी भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग चुके हैं और उन आरोपों के चलते एक बार वो अपने पद से हटे भी, क्या उन्हें फिर जांच के दायरे में लाकर सरकार जेल भेजेगी? बहुत तो सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ लगते रहे, जिसमें खुद शिवराज सिंह, व्यापम घोटाले का बड़ा आरोप, खुद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदुरप्पा, कई मामलों के आरोप, फिर 1000 करोड़ का आरोप उन पर लगता दिख रहा है। उपकरणों की खरीद में, ऑक्सीजन की हेरा फेरी में, अब आप समझिए कि कोविड के मामले की जांच सभी राज्यों की कराई जाए, केंद्र सरकार की कराई जाए, तो कितना बड़ा घोटाला पकड़ में आएगा ये जनता को समझने की जरूरत है। जनता के नाक के नीचे जनता के टैक्स का पैसा किस तरीके से लूटा जाता है ये समझने की जरूरत है। कैसे सरकारें बंदर बांट करती हैं, महंगाई के दौर में आम जनमानस मरा जा रहा है, महंगाई में रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसे में वो परिवार का पालन पोषण कैसे करे, इस सवाल की चिंता किसी भी दल को और किसी भी सरकार को नहीं है। क्या इस देश में महंगाई पर चर्चा है, बेरोजगारी पर चर्चा है, शिक्षा पर चर्चा है, स्वास्थ्य पर चर्चा है? हेर फेर की चर्चा के अलावा कुछ नहीं है। वोट कैसे मिलेगा केवल इस पर फिक्र है। वोट रोकने के लिए, वोट को बचाने के लिए क्या लागू करना है? प्रधानमंत्री जी बार बार 80 करोड़ के राशन का जिक्र करते हैं। हमारी जीडीपी की हालत बेहद खराब होती चली जा रही है, हम 7 से नीचे जीडीपी में आ गए हैं, जबकि आरबीआई या अर्थशास्त्री हमें कह रहे थे कि 7 से ऊपर जीडीपी बनी रहेगी। पिछले 3 महीने में जीडीपी की काफी बुरी गति हुई है। उस दौरान क्या इस देश को अब घोटालों से निजात दिलाने के लिए जनता खुद सोचेगी? क्या इस 1000 करोड़ के घोटाले पर बीजेपी अपनी स्थिति साफ करेगी? मैं इस तरीके की अंदर की खबरें आपके समक्ष रखता हूं। इन खबरों को समझिए, कैसे घोटाले हो रहे हैं, कैसे कैसे भाजपा की सरकारें जनता के मोटी गाड़ी कमाई अपने घर ले जा रही, और इसको समझिए, विचार करिए, और इस तरीके की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारी वो सभी खबरें जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं आप तक पहुंचे। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा, नमस्कार।